हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे आज के इस वीडियो में मैंने समर मेकअप ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ और मैंने इस वीडियो में कोई भी BBCC क्रीम, फाउंडेशन कुछ भी यूज़ नहीं किया है और ये वाला मेकअप लुक बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और समर सीज़न के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो का लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मैं ऐसे और भी वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने लोटस की सनस्क्रीन यूज़ की है, अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लिया है मैंने। और अगर आप डी मेकअप कर रहे हो तो सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करो। तो मैं इसे अच्छी से क्वांटिटी में लेकर अप्लाई कर रही हूँ पूरे फेस पर। प्राइमर के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं एलोवेरा जेल। अगर आप प्राइमर यूज़ करना चाहते हैं तो आप प्राइमर यूज़ करें, अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो ये ऑप्शनल है, आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे से ये वर्क करता है, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, आपके ओपन पोर्स भी हाइड कर देता है। तो अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप आराम से एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में हम प्रो कंसीलर यूज़ कर रहे हैं और कंसीलर मेरे डार्क सर्किल बहुत ज़्यादा हैं तो इसलिए मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से डॉट डॉट करके पहले आप अपने अंडर आइज़ की नीचे अप्लाई कर लीजिए और देन एक स्पंज ब्यूटी ब्लेंडर जिसे वेट करने के बाद ही अप्लाई करना है। तो अगर आप वेट करके अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है। तो इस तरह से आप देखिए कि मैं किस तरह से इसे अप्लाई कर रही हूँ। तो जो डार्क सर्किल हैं वो इस तरह से मैं हाइड कर रही हूँ और मैंने इसमें कोई भी BBCC क्रीम, कोई भी फाउंडेशन यूज़ नहीं किया है। बस तरह से मैंने अपने कंसीलर को आई वाले एरिया में जहाँ पे डार्क सर्कल डार्क स्पॉट हैं बस वहीं पे यूज़ कर रही हूँ, बाकी किसी एरिया में मैंने कंसीलर भी अप्लाई नहीं किया है। उसके बाद में मैं अपनी आईब्रोज को सेट करने के लिए मिसरोज़ का पैलेट ले रही हूँ और इसमें से ब्राउन कलर पिक करूँगी। ये वाला जो आईब्रो पैलेट है ये मेरा फेवरेट है तो इसे पहले मैं सेट कर लूँगी अच्छे से। बाद में ले रही हूँ वेला ओट्स का ये मस्कारा है, इस मस्कारे को मैं अपने अपने आईब्रोज पर अप्लाई करूँगी ताकि बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहे। और मेकअप इतना ज़्यादा ये वाटरप्रूफ है, स्मच प्रूफ है कि अब आराम से मतलब स्वेटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इस मेकअप में। मैंने अभी तक मेरा फर्स्ट वीडियो है जो मैं इस टाइप से कर रही हूँ और तो इस तरह से मैं मस्कारा भी अप्लाई कर रही हूँ अपनी आईब्रोज पर। देन मैं ले रही हूँ एक कटोरी में पानी और इसमें से एक स्पंज लेकर जो मुझे कॉम्पैक्ट के साथ में मिला है उसे निचोड़ दे रही हूँ, उसका जो पानी है बिल्कुल भी नहीं रह गया है। उसके बाद मैं ले रही हूँ वेला वोट्स का ये कॉम्पैक्ट कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो बट ये है कि अच्छी क्वालिटी का हो। तो इसके बाद में मैं पूरे फेस पर इसे अच्छे से डैब डैब करके आराम से थोड़ा टाइम देकर अप्लाई करूँगी पूरे फेस पर। थोड़ा टाइम देकर करना है और इसे गीला ज़रूर कर लेना है। अगर आप अच्छा कॉम्पैक्ट यूज़ कर रहे हो, कोई फाउंडेशन कोई CC BB क्रीम आप नहीं लगाना चाहते हो और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हो तो ये वाली ट्रिक आप ज़रूर से ट्राई करना, बहुत अच्छी ट्रिक है। ये मेकअप मुझे खुद पर्सनली इतना ज़्यादा अच्छा लगा है क्योंकि आज तक जितने भी मेकअप मैंने किए हैं उस पर खूब सारा फाउंडेशन वगैरह लगा दी चली आई हूँ, लेकिन ये वाला जो मैंने किया है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इतना लॉन्ग लास्टिंग मेकअप और इतना लाइट मेकअप था, बहुत मज़ा आया मुझे करने के बाद ये। तो इसे मैं अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ, बहुत स्लो मूवमेंट में किया है मैंने, डैब डैब करके अच्छे से अप्लाई किया है। तो जितना टाइम आप इसको अप्लाई करने में दोगे मेकअप उतना ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद मैं सेटिंग स्प्रे से पहले इसे सेट कर लूँगी, थोड़ा सा लाइट फ्लक्चुएट कर रही है तो उसका इशू है। तो मैंने सेटिंग स्प्रे से पहले इसे सेट कर लिया है
उसके बाद में मैंने लिया है हाइलाइटर, और हाइलाइटर को मैंने कोई आई शेडो अप्लाई नहीं किया है, मैं सिर्फ हाइलाइटर को इनर कॉर्नर पर अप्लाई कर रही हूँ। मैंने कोई आई शेडो अप्लाई नहीं किया है, मैं अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ। ये मेकअप बहुत ही ज़्यादा लाइट है और आप इसको किसी भी पार्टी वगैरह में बिंदास होकर कर सकते हो। और अगर ट्राई करिएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वाला मेकअप ट्यूटोरियल आप लोगों को कैसा लगा है। तो इस तरह से मैं इसे हाइड कर रही हूँ, इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर दे रही हूँ, और उसके बाद में मैं सीधे मस्कारा लगाऊंगी। मैं कोई काजल नहीं लगा रही हूँ, कोई भी आईलाइनर नहीं लगा रही हूँ, सीधे से मैं मस्कारा लगाऊंगी। और मस्कारा मैंने 2 से 3 कोड में लगाया है क्योंकि मैंने कोई एक आईलैशेस वगैरह यूज़ नहीं किए हैं, तो अच्छी क्वांटिटी में मैंने इसे अप्लाई किया है 1 से 2 बार, ताकि जो हमारी मतलब लगनी चाहिए थोड़ी थिक लगनी चाहिए आईलैशेस। तो इस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद में मैं ले रही हूँ ब्लैशर, और ब्लैशर को भी मैं इसी स्पंज से ही अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे। थोड़ा सा लाइट फ्लक्चुएट कर रही है तो कलर अप डाउन हो रहा है। उसके बाद में मैं ले रही हूँ कॉन्टोरिंग करने के लिए कॉन्टोर पैलेट से कलर, और मैं फिंगर की हेल्प से सिर्फ नोज़ को कॉन्टोर कर रही हूँ। ऑलरेडी मुझे अपना फेस बहुत स्लिम लग रहा था, और मुझे इस वाले जो मेकअप ट्यूटोरियल में मुझे नीड नहीं थी कि मैं अपने चिक्स वगैरह को भी कॉन्टोर करूँ, तो मैं ओनली अपने नोज़ को कंट्रोल कर रही हूँ फिंगर की हेल्प से। मैंने कोई ब्रश वगैरह यूज़ नहीं किया है। उसके बाद में थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने थोड़ा सा अप्लाई कर लिया है इसे, ताकि थोड़ा सा ब्लेंड हो जाए तो फेक ना लगे। ये बहुत नेचुरल मेकअप है। उसके बाद में ये NYB का मैं वाइट काजल अप्लाई कर रही हूँ। उस टाइम मैं पिछले दो तीन वीडियोस से मैं वाइट काजल अप्लाई कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा है, मेरा फेवरेट बनता जा रहा है। उससे पहले तो मैं नहीं यूज़ करती थी, लेकिन अभी मुझे 2-3 वीडियोस में यूज़ कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने यूज़ किया है वाइट काजल, और वाइट काजल से आके बहुत प्यारी लगती हैं। तो इस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं हाईलाइटर ले रही हूँ। हाईलाइटर को मैं अपनी पहले ब्राउज़ को हाईलाइट करूँगी विदाउट आई शेडो। अगर आप मेकअप करना चाहते हो तो ये वाला लुक ज़रूर ट्राई करिएगा आप किसी भी पार्टी वगैरह में। देन मैं अपने नोज़ पे हाइलाइटिंग कर रही हूँ, चिक्स पे भी करूँगी। और ये जो ड्रेस मैंने पहनी हुई है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ की है। बहुत जल्दी मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये ड्रेस मुझे पर्सनली इतनी ज़्यादा अच्छी लगी है, मैं इसका प्राइस और पूरी डिटेल वगैरह मैं इसका एक इस पर वीडियो बनाऊंगी, मैं उसके साथ आपको बताऊंगी कि ड्रेस मैंने कितने में लिए और कैसी आउटफिट पूरा दिखाऊंगी, मैंने इस वीडियो में नहीं दिखाया है। उसके बाद में ये मेरी मोस्ट फेवरेट लिपस्टिक है। ये कलर मुझे इतना ज़्यादा प्यारा है और मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसा लग रहा है। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, ताकि आप मेरे साथ नोटिफाइड रहो। तो ये लिपस्टिक इस वाले मेकअप बहुत अच्छी जा रही थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो कंप्लीट लुक है ये। वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। तो मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।